अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी कोडिंग विद अमारा। आज की जो वीडियो है वो मैंने कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर क्रिएट की है, जिसका टॉपिक है हमारे पास एंड्रॉयड जेसन पार्सिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एक आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। तो बेसिकली जो है जेसन पार्सिंग में हम जो डाटा गेट करते हैं, ठीक है, वो हम दो तरह से गेट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई लिंक है जिसपे आपने कोई एरे क्रिएट की है और वहां से आप डाटा गेट करना चाहते हैं, तो आप जो है लिंक को यूज करके डाटा को गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जो है एंड्रॉयड के अंदर आपके पास जो है एसिड फोल्डर, वहां पे अगर आपने उस फाइल को रखा हुआ है, अगर आप वहां से डाटा गेट करना चाहते हैं तो आप वहां से भी डाटा गेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है किस तरह से एक जेसन की फाइल को पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप उसको किस तरह से एसिड फोल्डर के अंदर रखते हैं और वहां से डाटा जो है आप किस तरह से गेट करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास जो है कोई लिंक है जिसके अंदर आपने जेसन की फाइल क्रिएट की है और वहां से आपने डाटा गेट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो है जेसन की फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जो है नोटपैड का यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद उसको मैं जो है जेसन के एक्सटेंशन से सेव करके कॉपी करके यहाँ पर एसिड फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें एक एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास जो है डाटा स्टोर होगा। उसके बाद आप जो है एरे का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आपने रखना है, ठीक है। तो आपने जो है इस तरह से इसका नाम रख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलन लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर शो कर रही है कि यहाँ से एरे जो है हमारे पास स्टार्ट है। ये हमारे पास फार्मूला नाम की जो है एक एरे है और उसके अंदर अब हम जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है इस एरे के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी जो है लिंक दे सकते हैं। मैंने जो एरे क्रिएट किया, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फर्स्ट, उसमें मैंने दो एट्रीब्यूट रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लिंक कोई कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर आपने जो है कॉमा लगा देना है। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम सेकंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और इस लिंक को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है आपने जो है एरे मैंने क्रिएट की है और ये इसके अंदर टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अगर आप चाहें तो डिफरेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है इसको क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलग अगर आपके पास सब लाइन टैक्स है तो यहाँ पर आप इजीली जो है इन ब्रैकेट्स
के साथ इसको ये देखिए इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत इजी है लिखना भी, तो अगर आप चाहें तो इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो स्केयर हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है, ये शो कर रही है कि ये हमारे पास जो है एक एरे है और ये इसके अंदर इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर ये मैंने जो है कॉपी करके पूरी पेस्ट कर दी है, इसी तरह से ये क्रिएट है जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, सेव एज करना है, और उसके बाद आपने जो है इसका इस तरह से इसको डॉट जेसन के एक्सटेंशन से सेव कर देना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने जो है इसको सेव कर दिया है। अब जो है इसको, ये फाइल है, इसको आप यहां से कॉपी कर लें, और इस यहां पर आकर हम जो है एक न्यू एसेट फोल्डर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद आपने इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से जो है ये आपकी फाइल जो है जेसन की वो यहाँ पर आ गई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से इस डाटा को गेट करेंगे और उसके बाद उसको जो है लिस्ट व्यू में शो करेंगे। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज।